वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की मैथ्स 2 टेक्स्ट बुक में जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए सिलेबस रिडक्शन हुआ है, 25% सिलेबस रिडक्शन, वो कहाँ है, क्या है। तो हर एक चैप्टर में सिलेबस रिडक्शन हुआ है, इवन प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट में भी स्पेसिफिकली बताया गया है कहाँ सिलेबस रिडक्शन है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, सिमिलैरिटी से। याद रखिए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, उसके आगे फिर से सिलेबस रहेगा। ये सिलेबस सिर्फ एक साल के लिए रिड्यूस हुआ है, तो आप अपने आप को लकी समझिए। तो ये देखिए सिमिलैरिटी चैप्टर पेज 1। तो एक्चुअली सिलेबस रिडक्शन स्टार्ट होता है पेज 8 से, तो हम पेज 8 पे आ जाते हैं। ये देखिए पेज 8 पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल जो है, ये थ्योरम है, ये पूरा कैंसल्ड है। प्रूफ भी इसका पूरा कैंसल्ड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन का बॉक्स भी पूरा कैंसल्ड है, मतलब पेज 9 पूरा कैंसल्ड है। पेज 10 पे भी इसका कन्वर्स, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स, ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है, मतलब पेज 10 भी पूरा कैंसल्ड है। पेज 11 पे जो बॉक्स है रिमेंबर में, तो थर्ड पॉइंट जो ये थर्ड फोर्थ पॉइंट, ये पूरी कैंसल्ड है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में एग्जांपल 2 कैंसल्ड है, एक्टिविटी जो उसके नीचे वो भी कैंसल्ड है पेज 12 पे। पेज 13 की एक्टिविटी भी कैंसल्ड है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में आप देख सकते हैं, 1.1 है प्रैक्टिस सेट 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा तीनों सब पार्ट्स के साथ कैंसल्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसल्ड है, और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 भी पूरा कैंसल्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 नेक्स्ट पेज पे ये भी कैंसल्ड है, और क्वेश्चन नंबर 11 ये सारा पेज 15 पे ये कैंसल्ड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज 16 पे कुछ कैंसल्ड नहीं है, पेज 17 भी पूरा है, 18, 19 आगे का पार्ट पूरा है, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 भी पूरी है। लेट्स लर्न आगे का जो पार्ट है, सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह। प्रैक्टिस सेट 1.4 भी पूरा है। प्रॉब्लम सेट 1 में फिर अगेन ये देखिए पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 8 कैंसल्ड है, क्वेश्चन नंबर 9 कैंसल्ड है। पेज 29 पे क्वेश्चन नंबर 10 कैंसल्ड है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के कैंसिलेशन हुए। पेज 30 पे सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम में ये देखिए शुरू होता है, पेज 30 पे वहां पे सब है, कैंसिलेशन शुरू होता है यहाँ पे आगे। पेज नंबर, प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरी है पेज नंबर 40 से। तो ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लेट्स लर्न का जो पार्ट है पूरा पेज कैंसल्ड है पेज 40। पेज 41 भी अपोलोनियस थ्योरम पूरा कैंसल्ड है पेज 41। पेज 42 भी ये पूरा कैंसल्ड है। प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरी कैंसल्ड है। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट में भी क्वेश्चन नंबर 6 कैंसल्ड है, वो क्वेश्चन 1 का नंबर 6 है, ये यू नो सिलेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कैंसल्ड है ऑन पेज नंबर 44। पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 कैंसल्ड है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी कैंसल्ड है। फिर पेज 46 पे क्वेश्चन नंबर 17, 18 कैंसल्ड है। फिर आ जाता है थर्ड चैप्टर सर्कल। तो सर्कल में भी आप देख सकते हैं इनिशियल पार्ट है, तो इनिशियल पार्ट इजी पार्ट होता है, पीछे का पार्ट कैंसिल्ड है तो अच्छी बात है। तो ये देखिए पेज 47, 48, 49, 50 ये पूरा है, इधर कोई कैंसिलेशन नहीं है। कैंसिलेशन शुरू होता है पेज नंबर, प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरी है, कैंसिलेशन शुरू होता है पेज नंबर ये देखिए, तो प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2, 3.3 पूरी है, तो आगे का पार्ट कैंसल्ड है। ये देखिए पेज नंबर हम आएंगे, प्रैक्टिस सेट 3.4 भी पूरा है। ये देखिए पेज नंबर है ये 75, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, ये पार्ट कैंसल्ड है पेज 75 पे। पेज 76 पूरा कैंसल्ड है। पेज 77 पूरा कैंसल्ड है। पेज 78 पूरा कैंसल्ड है। पेज 79 पूरा कैंसल्ड है। पेज 80 भी पूरा कैंसल्ड है। पेज 81 पूरा कैंसल्ड है। तो ये देखिए सर्कल जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, प्रैक्टिस सेट 3.5 पूरी कैंसल्ड है। इतना ये सिलेबस रिडक्शन हो रहा है। प्रॉब्लम सेट 3 में भी हम देख सकते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 7, मतलब ये चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, ये 1-1 मार्क के सवाल आते हैं, तो प्रॉब्लम सेट आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर कैंसल्ड है पेज 83 पे। पेज 84 पे कैंसिलेशन नहीं है। पेज 85 पे कैंसिलेशन नहीं है।
पेज 86 पे भी कैंसिलेशन नहीं है, पीछे के सवाल ये देखिए पेज 87 पे क्वेश्चन नंबर 13 पूरा 5 सब पार्ट्स के साथ पूरा कैंसिल्ड है, क्वेश्चन नंबर 15 पूरा कैंसिल्ड है पेज 87 पे, पेज 88 पे क्वेश्चन नंबर 16 पूरा कैंसिल्ड है, क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कैंसिल्ड है, फिर पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन नंबर 22 पूरा कैंसिल्ड है, क्वेश्चन नंबर 24 ऑन पेज 90 पूरा कैंसिल्ड है। तो ये आपका सिलेबस रिडक्शन है इन चैप्टर 3 सर्कल। तो चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कोई कैंसिलेशन नहीं है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक्चुअली स्कोरिंग भी होते हैं, बच्चे काफी इसमें स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का पूरा चैप्टर है, इसको आपको कम्प्लीटली करना है, इसके पूरी प्रैक्टिस सेट सारी है, और इवन प्रॉब्लम सेट में भी कोई सवाल कैंसिल नहीं है, सारे के सारे सवाल, सारी जो भी कंटेंट है इसका पूरा है आपको, ये पूरा चैप्टर आपको करना है चैप्टर 4। चैप्टर 5 पे आते हैं, चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनिशियल पार्ट है, पीछे का कैंसिल्ड है, तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेज 100 पे, ये पूरा है, पेज 101 भी पूरा है, 102 भी है, 103, 4, 5 ये सब कंटेंट है, इनिशियल पार्ट है, प्रैक्टिस सेट 5.1 पूरी है, इवन प्रैक्टिस सेट 5.2 भी पूरी है, सॉल्व एग्जांपल्स भी सारे हैं, और प्रैक्टिस सेट 5.2 जो शुरू होती है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 115 पे ये पूरी है, यहाँ 12 सम से ये पूरा है, इसके बाद शुरू होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, तो ये वाला पार्ट पूरा कैंसल्ड है ऑन पेज नंबर 116, एक्टिविटी भी कैंसल्ड है, पेज 117 पे जो पूरा टेबल है ये पूरा पेज ही कैंसल्ड है, पेज 117, एक्टिविटी 2 ऑन पेज 118 भी पूरा कैंसल्ड है, पूरा पेज कैंसल्ड है, पेज 119 भी पूरा पेज कैंसल्ड है, ये देखिए पेज 120 भी पूरा पेज कैंसल्ड है, सारे एग्जांपल्स ये देखिए, एग्जांपल 4 भी ऑन पेज नंबर 121 कैंसल्ड है, और पूरी प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे 5.3 ये पूरी प्रैक्टिस सेट कैंसल्ड है, टिल क्वेश्चन नंबर 8 ये सारा कैंसल्ड है। फिर प्रॉब्लम सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 जो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन से, उसके अंदर नंबर 4 कैंसल्ड है, क्वेश्चन 1 नंबर 4, क्वेश्चन 2 पूरे सारे 3 सब क्वेश्चन कैंसल्ड है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 कैंसल्ड है ऑन पेज नंबर 123, और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 भी कैंसल्ड है ऑन पेज 123। तो यहाँ का फिफ्थ चैप्टर खत्म होता है। फिर सिक्स्थ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली पूरा चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है पेज 124 से, यहाँ से पूरा जो चैप्टर है सारी इसकी प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट कम्प्लीटली है, सारे सम से इसमें एक भी चीज कैंसिल नहीं है। तो हमने देखा चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पूरा है, और इवन चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री पूरा है, सारी प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 और प्रॉब्लम सेट भी पूरा है, कोई सवाल कैंसिल नहीं है। नेक्स्ट आता है पेज 140 पे सेवेंथ चैप्टर मेंसुरेशन। सो ये लास्ट चैप्टर जो है मेंसुरेशन में आप देख सकते हैं पेज 140 पे सब कुछ है, 141 तो इनिशियल पार्ट है, 141, 142, सॉल्व एग्जांपल्स, इवन प्रैक्टिस सेट 7.1 पूरी है, पेज 145, पेज 146 पे सब है, ये पूरा नहीं पूरा पूरा है सिलेबस में। कैंसिलेशन शुरू होता है, इवन प्रैक्टिस सेट 7.2 भी पूरा है, कैंसिलेशन शुरू होता है आगे, ये देखिए इवन प्रैक्टिस सेट, ये जो है प्रैक्टिस सेट 7.3 ये भी पूरी है, पेज 154, पेज 155 पे उसके बाद का पार्ट कैंसिल होता है। तो ये मेंसुरेशन चैप्टर में पेज नंबर 156 से कैंसिलेशन शुरू होते हैं, ये देखिए पेज 156 पूरा कैंसल्ड है, पेज 157 पूरा कैंसल्ड है, पेज 158 पूरा कैंसल्ड है, पेज 159 पूरा कैंसल्ड है, प्रैक्टिस सेट ये पूरी कैंसल्ड है, पेज 159, 160, प्रॉब्लम सेट 7 है, प्रॉब्लम सेट 7 में जो कैंसिलेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कैंसल्ड है पेज 161 पे, फिर पेज 162 पे कोई कैंसिलेशन नहीं है, पेज 163 पे भी कुछ कैंसिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये जो है मैथ्स 2 का सिलेबस कवर होता है, चैप्टर खत्म होता है। तो काफी सिग्निफिकेंट सिलेबस के कंटेंट्स कैंसिल किए गए हैं, और इंपॉर्टेंट जो पीछे के जो डिफिकल्ट पार्ट्स है चैप्टर के एंड के जो एक्सरसाइज होते हैं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है वो एक्सरसाइजेस कैंसिल की गई है। तो आपको अब और अच्छे से पढ़ाई करके इवन मैथ्स भी इजी हो गया है, और आपको स्कोर करना है, पेपर भी इजी ही आएगा क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, तो इजी क्वेश्चंस में से सवाल आएगा तो इजी रहेगा पेपर कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 टू। तो आपको बेस्ट अपना एफर्ट डाल के अच्छे परसेंटेज से इस साल आप क्लियर कर सकते हैं।
विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.